तो ये है सामने एक और ग्राउंड फुटबॉल का, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा न्यूटन एक्सचेंज पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं खेलने के लिए। अगर आप नियर बाय रहते हैं 72 एवेन्यू के, देखो पुलिस वाले ऐसे गाड़ियाँ रोक लेते हैं यहाँ पे। ये पुल ओवर कर लिया पुलिस वाले ने, उसकी गाड़ी को रोक लिया यहाँ पर। अब इस बेचारे का चलान हुआ। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी भाई मैं साइकिल लेके निकला हूँ पूरा रेडी होके, और सर्दी हो रही है तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको घुमाया जाए। तो अभी मैं हूँ न्यूटन एक्सचेंज पार्क के पास। चलिए आपको अंदर पार्क में लेके चलता हूँ, पार्क दिखाता हूँ कैसा है। तो भाई अभी क्या है सीन, मैं कहीं जा रहा था, अभी प्लान हो गया मेरा चेंज और अभी मैं गया नहीं, तो मैं सोचा आपको न्यूटन एक्सचेंज पार्क ही घुमा दूँ। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और सर्दी थोड़ी ठीक ठाक हो रही है, तो मैं इस पार्क का पूरा आपको एक चक्कर देता हूँ, ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको सब कुछ कैसा है। तो स्टे ट्यून विद दिस व्लॉग। ज़्यादा छोटी सी रहेगी, बस पार्क का एक राउंड देता हूँ मैं आपको। अभी शाम का वक्त हो रहा है और यहाँ पे भीड़ जो है ठीक ठाक हो रही है, तो बस अभी पार्क का एक चक्कर आपको देके फिर यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। तो इधर से शुरू करते हैं पार्किंग लॉट की तरफ से। तो मेरे राइट में है ये टेनिस का ग्राउंड, तो यहाँ पे लोग खेल रहे हैं टेनिस, आप देख सकते हैं। तो ये सब भाई फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर खेलने के लिए, कोई मेम्बरशिप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई मेम्बरशिप वगैरह लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से लेते हैं आगे की तरफ। मैंने बोला था आपको एकदम पूरा पार्क दिखाऊंगा मैं, इसका ओवरव्यू दूंगा। आइए, इधर से तो जगह दिख ही नहीं रही, ये पूरा फुल हो गया, ठीक है। तो आगे से चलते हैं। अभी तो मैं आपको पार्किंग लॉट का ही चक्कर लगवा रहा हूँ, कोई नहीं, आराम से देखो। भाई भीड़ देख रहा हूँ, कितने लोग यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं, ये देखो। ये चेक करो आप लोग, कितने लोग यहाँ पे अभी खेलने के लिए आए हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे। अभी कुछ दिनों में जब सर्दी आ जाएगी ना भाई, मुझे नहीं लगता कि इतनी यहाँ पे भीड़ रहा करेगी, तब तो यहाँ पे भीड़ कम ही रहा करेगी। ये फुटबॉल का एक और ग्राउंड आ गया यहाँ पर, और आप पेड़ देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं पेड़, लाल लाल अच्छे लगते हैं ना। और सामने का जो व्यू आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, क्योंकि अभी सनसेट हो ही रहा है, अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, फुटबॉल के ग्राउंड्स काफ़ी सारे हैं, ये देखो यहाँ पे फुटबॉल का कोई मैच चल रहा है, तो यहाँ पे फुटबॉल के ऐसे ग्राउंड बहुत सारे हैं, मतलब 4-5 है, कोई छोटा कोई बड़ा है नॉल। तो अभी चलते हैं हम दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ जाने के लिए हमें इधर से जाना पड़ेगा। तो ये है सामने एक और ग्राउंड फुटबॉल का, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है, अच्छी बढ़िया लाइटिंग का बंदोबस्त है यहाँ पे, ठीक है। हम भी आए थे एक दो दिन यहाँ पे, सारा बुक कर लिया, कब आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन कब आएंगे कुछ नहीं पता, जब भी टाइम मिलेगा तब आएंगे यार। अभी तो सारा टाइम सोते हुए निकल जाता है, दिन रात हो रखा है। आपको ब्लॉग्स भी रात में दिखाता हूँ मैं सारे ज़्यादातर, लेकिन हाँ कल शायद मैं जल्दी से निकल जाऊँ, कल मैं शायद डाउन टाउन जाऊँ, आपको डाउन टाउन दिखाऊँ दिन में, क्योंकि दिन में डाउन टाउन मैंने आपको दिखाया ही नहीं है, मेरे दिनों से डॉग वॉक भी करा रहे हैं। ये चल रही है प्रैक्टिस, एक चक्कर इधर को लगा के फिर चलते हैं वापस, क्योंकि अंधेरा यहाँ पे हो गया है, इतना क्लियर अभी दिखेगा नहीं। तो दोस्तों यही था, अब यहाँ से निकलते हैं वापस घर की तरफ, है ना। तो ये पूरा का पूरा न्यूटन एक्सचेंज पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं खेलने के लिए।
अगर आप नियर बाय रहते हैं 72 एवेन्यू के, तो यहाँ पे आप आके इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा बढ़िया बैठने का इंतज़ाम है, खेलने के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ जो आप लोग कर सकते हैं। पार्किंग है, फ्री है, वॉशरूम है। ये देखिए वॉशरूम यहाँ बंद हो गया अभी फ़िलहाल, तो काफ़ी बढ़िया इंतज़ाम है हर चीज़ का। आप देखो कितनी बड़ी है, बहुत ही बड़ी पार्किंग है। पार्किंग में आराम से आप गाड़ी वगैरह लगा सकते हैं। देखो कितनी बड़ी पार्किंग है। फिर अब चलते हैं घर की तरफ, ठीक है। पहले एक बार रोक लेता हूँ, मुझे एक काम है थोड़ा सा। चलो भाई, वो कर दिया मैंने काम अपना, अब यहाँ से घर की तरफ चलते हैं। ये गाड़ियों का जाम लग गया, तो ये अपनी साइकिल का फ़ायदा दिखाता हूँ, क्योंकि अपने लिए तो यहाँ पे इस पर भी चला सकते हैं ना। तो यहाँ से हम फटाफट निकल जाएंगे बाहर। अरे यहाँ तो किसी, देखो पुलिस वाले ऐसे गाड़ियाँ रोक लेते हैं यहाँ पे। ये पुल ओवर कर लिया पुलिस वाले ने, उसकी गाड़ी को रोक लिया यहाँ पर। अब इस बेचारे का चलान हुआ। अब ये गाड़ी से देखो यहाँ पे बंदा उतरता नहीं है, वो अभी गाड़ी में बैठा हुआ है, और पुलिस वाला उससे उसके डॉक्यूमेंट्स आके गाड़ी पे चेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गाड़ी में से उतरने की आपको ज़रूरत नहीं है, पुलिस वाला आपके पास आएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा। ये जो भी कर रहा हो यहाँ पे, स्पीडिंग कर रहा हो, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी हो, जो भी इसने वायलेशन किया है उसका, इसको यहाँ पे टिकट मिल जाएगा। यहाँ पे चलान को टिकट बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल जो है खुद से डालना पड़ता है। ये लोग देखो खुद से पेट्रोल डाल रहे हैं। चाहे आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, पेट्रोल आपको खुद से ही डालना होगा। बैक टू होम का बाइक हमने पार्क कर दिया है। करते हैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।